कोरोना काल के बीच पहली बार हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर सीतापुर में बनाए गए कंट्रोल रूम और शिकायत प्रकोष्ठ का हम लाइव आपको प्रसारण दिखाएंगे। और यहां पर आपको बता दें कि ये पूरी टीम जो है ये शिकायत प्रकोष्ठ के साथ ही जो शिकायतों को दर्ज कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये लोग जानकारियां जुटा रहे हैं और जो शिकायतें आ रही हैं उनको दर्ज कर रहे हैं। इसके बाद परसेंटेज भी निकाले जाने का दौर चल रहा है, चूँकि 9 बजे तक मतदान हो चुका है और ब्लॉकवार स्थितियां क्या बनी हैं इसकी भी जानकारी ये लोग जुटा रहे हैं। तो ये शिकायत प्रकोष्ठ और कंट्रोल रूम एक में बनाया गया हुआ है और अभी फ़िलहाल जो शिकायतें मिल रही हैं आपको बता दें वो सीतापुर में ज़्यादातर जो शिकायतें सामने आ रही हैं वो जो मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम कटने को लेकर के आ रही हैं। कई जगह उसको लेकर बवाल हो रहा है और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है शांति व्यवस्था बनाए रखने की, चूँकि जब बड़े पैमाने पर नाम कटने की शिकायतें आ रही हैं तो वहाँ पर बवाल हो जा रहा है और मौके पर उच्चाधिकारियों को भी पहुंचना पड़ रहा है। चूंकि अब मतदान के दिन ऐसी शिकायतें आ रही हैं तो उनको तुरंत दूर तो नहीं किया जा सकता है, ऐसे में उन्हें सख्ती भी दिखानी पड़ रही है और लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं। बाकी ऐसी कोई शिकायतें नहीं आई हैं। कोरोना काल होने के बावजूद 3 ARO की कोरोना ने जान भी ले ली, बावजूद इसके कर्तव्य की बलबेदी पर ये कर्मचारी जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यही कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को कैसे निभाया जाता है और ये लोग अपने कर्तव्यों को निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। तब जब 3 ARO की जान कोरोना ले चुका है और 6 प्रधान पद के ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी कोरोना में जान जा चुकी है, वहां के चुनाव स्थगित जरूर कर दिए गए हैं, बाकी निर्वाचन की प्रक्रिया निर्बाध गति से जारी है। और ये 9 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो DPRO मनोज कुमार और ADPRO ये लोग उसकी जानकारी जुटाते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही देर बाद 9 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है उसका रिजल्ट भी हम जानेंगे और बहुत तेज़ी से ये लोग जानकारियां कलेक्ट कर रहे हैं। और कंट्रोल रूम और शिकायत प्रकोष्ठ में ये सारे कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोरोना काल है, सभी के मुंह पे मास्क है और कुछ हद तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते नज़र आ रहे हैं, दूरी उचित दूरी बनाए हुए लोग अपने काम में लीन हैं। अब सभी इस बात की जानकारी जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस ब्लॉक में कितने प्रतिशत अब तक मतदान हो चुका है, यानी 2 घंटे का जो मतदान है वो कितने प्रतिशत हो चुका है इसकी जानकारी ये सभी कर्मी जुटा रहे हैं। ये जुटाने के बाद ये अपना पूरा डाटा जो है DPRO को देंगे और DPRO पूरे ज़िले का एक औसत जो प्रतिशत है वो निकालेंगे। अभी फ़िलहाल उनके पास पूरी जानकारी ज़िले की नहीं आई है लेकिन कई ब्लॉकों की जानकारी वो जुटा चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ही जो मतदान का प्रतिशत है 2 घंटे का वो भी सामने आ जाएगा और उसके बाद क्या बनती है स्थिति। फ़िलहाल आई इंडिया की टीम जब आज आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी तो गांव की सरकार बनाने को लेकर जो उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला, लंबी लंबी कतारें नज़र आईं और बड़ी संख्या में मतदाता जो है अपने घरों से निकल करके वोट डालने के लिए भी पहुंचे, तो उससे लगता है कि मतदान प्रतिशत इस बार ज़्यादा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि चूँकि जो चारों पदों के लिए जो चुनाव हो रहा है इस बार बड़ी संख्या में प्रत्याशी भी सामने आए हैं, जाहिर सी बात है जब ज़्यादा संख्या प्रत्याशियों की है तो मतदाता भी बढ़ चढ़ कर के वोट देंगे, उनके मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। इसी बीच आप देख सकते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए या जानकारी जुटाने के लिए एक फ़ोन की घंटी बज चुकी है और ये फ़ोन उठा करके उनसे संबंधित जानकारी करने में बाबू लग गए हैं और वो जानकारी जुटाते ही वोट प्रतिशत से लेकर जो शिकायत है वो आती है, फिर इसके बाद ये शिकायत को आगे बढ़ाते हैं ताकि उस पर कार्रवाई हो सके और शिकायत या जानकारी जो भी इनके पास जुटेगी उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे कि चूंकि 2 घंटे का मतदान होने के बाद अभी तक 9 बजे का मतदान प्रतिशत निकाला नहीं जा सका है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए समीर अख्तर के साथ पंकज सिंगौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।